आदरणीय वंदनीय आसन श्रीमद भागवत पांडाल में विराजमान सभी महान संत सम्मान योग्य बुजुर्ग सम्मान योग्य सीता सावित्री अनुसुईया जैसी समात भूमि पर पलने वाली सभी माताएं एवं प्यार योग्य छोटे बड़े भाई बहनों आपके पावन ग्राम जाटों में जो पावन प्रसंग चल रहा है जिसका चलते आज द्वितीय दिवस आ गया है। बड़ा ही भाव बरस रहा है इस गांव में। सभी भक्तों का बड़ा ही सहयोग वही मेहनत भगवान के प्रति लगाओ भगवान के प्रति भक्ति बरस रही है आपके गांव में। पावन गंगा में श्रीमद् भागवत में आप सभी गोते लगा रहे हैं जिसका द्वितीय दिवस है। जैसे कि आप सभी भाव से कथा में बैठे हो वैसे तो आपके गांव में और भी लोग रहते हैं लेकिन इतने लोग क्यों बैठे जानते हो दादा? इसलिए बैठे हो क्योंकि आपको भगवान ने बिठाया है भगवान ने बुलाया है। एक बात याद रखना भगवान का दरबार हो चाहे किसी मानव का दरबार हो जब तक कोई चाहेगा नहीं तब तक आप उसके घर तक जा नहीं सकते हो। और ये तो भगवान का दरबार है। भगवान के दरबार में वही आ सकता है जिसे भगवान बुलाएगा नहीं तो कोई नहीं आ सकता। आपने देखा होगा बहुत लोग घर से चलते हैं चलिए कथा सुनने जा रहे हैं बीच में कहाँ अटक गए उन्हें खुद नहीं मालूम है क्योंकि द्वार सिर्फ प्रभु का है। कभी आप किसी के घर जाइए पड़ोसी के दरवाजा खटखटाते रहिए और पड़ोसी ने कहूं झांक के देख लो बोले पड़ोसी बोले दरवाजा नहीं खोलेंगे और जब तक वो नहीं चाहेगा आप उसके घर में प्रवेश नहीं कर सकते। इसी प्रकार ये भगवान का घर है भगवान का द्वार है। जब तक प्रभु नहीं चाहेगा आप यहाँ पर दो कदम नहीं बढ़ा सकते। तो जितने लोग बैठेंगे प्रभु के बुलाने पर आए हैं अपनी इच्छा से नहीं आए और जो नहीं आ रहे हैं कहीं ना कहीं प्रभु की उन पर भी। तो याद रखो समय समय की बात है समय की कदर करना। मैंने कल भी बताया था कि जो ये समय आपके गांव में चल रहा है इसकी कदर कर लो भैया ये वापस नहीं आएगा। जो लोग बाहर पड़े हैं गांव से पैसा कमा रहे हैं दौलत कमा रहे भैया देखो भाई पैसा भी जरूरी पैसा नहीं होगा तो जीवन कैसे कटेगा लेकिन हर कुछ पैसा नहीं हो सकता है। अगर जीवन में आप पैसे को महत्वता दोगे ना तो फिर पैसे जैसे रह जाओगे। जानते कैसे मतलब वाले पैसों को यूज कब करते हैं जब मतलब होता है नहीं तो पैसा रखा रहता है कि हर वक्त हाथ में लिए घूमते हो। इसी प्रकार याद रखिए जीवन में पैसे को उतनी महत्वता दीजिए जितना हो सके। समय से बढ़कर कभी पैसा नहीं हो सकता। चतुर्दश की कथा में आएगा और हम आपको बताएंगे भी कि जीवन में अगर पैसा कमाना है ना तो बहुत सरल उपाय क्योंकि खुद का अनुभव बताएंगे। जीवन में अगर पैसा कमाना है ना तो हमेशा याद रखिए हम आपको प्रमाण देकर और समझाएंगे कि जिनके पास ये है उसके पास पैसे की कमी नहीं होती है। एक संत ने बड़ी सुंदर लाइनों में समझाया है कि जीवन में जो पैसा पैसा करके अपने पास रख लेते हैं वो पैसा यहीं रह जाता कुछ साथ में नहीं जाता। कि चेतरे गुमानी ऐसा कि चेतरे गुमानी